कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा शनिवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता को बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। यह जहां भी जाते हैं वहां सिर्फ झूठ परोसते हैं। देश भर में कानून व्यवस्था की हालत बेकार है। एक दिन में कई महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं और यह आरोप सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर लग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर आती है तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे। रोचक हो गया है चुनाव। दो चरणों के बाद अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि न केवल रोचक हुआ है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी। दो चरणों के बाद सोनी बात, पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागे, तीसरा चरण हो जाए तो 24 घंटे जागे। कारण बहुत स्पष्ट है, आप लोग सब जॉब में हैं, अप्रेजल होता होगा कितनी स्टोरीज कितने की कितने एक्सक्लूसिव कौन लाया, ये अप्रेजल होता है। हम सबका भी अप्रेजल होता है, पॉलिटिक्स में भी अप्रेजल होना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में हैं तो आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने नहीं लाएंगे, देश के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को ताने मारेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और देश का ध्यान फिर बांटने की कोशिश करेंगे, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में भाजपा ला रही है और ये लोकतंत्र के लिए बीमारी बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी तक 10 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। इस देश में एक घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, यह आंकड़ा इसी सरकार ने 3 महीने पहले संसद के पटल पर रखा। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इस देश में एक घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं, इस सरकार के आंकड़े। उस देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगने आता है रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, इन तमाम आंकड़ों के बारे में कोई सफाई नहीं देता, माफी नहीं मांगता, उसका मोदी की गारंटी। 10 साल पहले आपकी गारंटियों पर विश्वास किया, ये आंकड़े मिले। 45 साल का अगर इस देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है आत्महत्याएं बढ़ेंगी, जो बढ़ गई हैं। पेपर लीक ऐसी बीमारी हमारे समाज में आई पिछले 5-7 सालों में, खासतौर अव्वल तो एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं, होते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है, लोग गहने बेच के मंगलसूत्र की बात करते हैं, मोदी भी उनके मुंह से मंगलसूत्र सुन के बड़ा अटपटा लगता है, चलिए फिर भी सुन लिया। मंगलसूत्र बिकते हैं बच्चों की एंट्रेंस की तैयारी करने में, गहने बिकते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है।